आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन कॉन्केटिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्केटिनेट फंक्शन। हम बेसिकली यूज करते हैं दो डिफरेंट टेक्स्ट को इकट्ठा करने के लिए, और ये नॉर्मली हम यूज करते हैं अगर हमारे पास टेक्स्ट जो है वो मल्टीपल कॉलम्स में हो या मल्टीपल सेल्स में हो और हम चाह रहे हो कि उसको हम एक ही सेल के अंदर इकट्ठा कर लें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्केटिनेट का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये तीन कॉलम हैं, एक कॉलम में मेरा फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, दूसरे में सेकंड नेम लिखा हुआ है, तीसरे में मेरा सिटी है और चौथे कॉलम के अंदर मेरा कंट्री है। और मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये सारा डेटा एक ही सेल के अंदर कर लूं। अगर तो मेरे पास एक दो रोज का डेटा है तो कोई मसला नहीं, मैं मैनुअली भी इसको कर सकता हूं, लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज बढ़ती जाएंगी तो मेरे लिए ये सारा काम मैनुअली करना एक हेक्टिक जॉब हो जाएगी। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है कॉन्केटिनेट का फंक्शन। स्टार्ट इसी तरह करेंगे, इज इक्वल टू के साइन के साथ, और उसके बाद लिखेंगे कॉन्केटिनेट, और उसके बाद आपने जिस भी टेक्स्ट को ऐड करना है उसमें या कॉन्केटिनेट करना है उसको आप चूज करते जाएंगे। जैसे यहां पर B3 था, C3, D3 एंड E3। सो ये चार कॉलम थे जो मैंने इकट्ठे किए, लेकिन इसमें एक एम्बिगुटी है कि किसी भी जगह पे दरमियान में स्पेस नहीं आई। अब वो स्पेस ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर डबल कोटेशन मार्क, फिर स्पेस और डबल कोटेशन मार्क दे दूंगा, लेकिन इस सारे के दरमियान में कॉमा डालना नहीं भूलना आपने। और ये आप ऐड कर देंगे यहां पर भी और लास्ट पे भी। अब देखिए हर एक वर्ड के बाद स्पेस आ गई। ये तो तरीका था कॉन्केटिनेट फॉर्मूले के साथ लिखने का। इसका एक और अल्टरनेट तरीका भी है। कॉन्केटिनेट जो फॉर्मूला है इसका अल्टरनेट है एंड साइन। तो एंड साइन के साथ भी आप यही काम कर सकते हैं। वो कैसे, इज इक्वल टू जिस सेल को आप कॉन्केटिनेट करना चाह रहे हैं एंड, अब स्पेस के लिए हम ये यूज करेंगे डबल क्वेश्चन मार्क को स्पेस, उसके बाद नेक्स्ट सेल, फिर एंड, डबल क्वेश्चन मार्क दो दफा दें, दरमियान में स्पेस दे दें, फिर नेक्स्ट सेल एंड नेक्स्ट सेल। अच्छा, ये इसमें ना आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर यहां पे आपने स्पेस की जगह डैश देना है तो आप डैश भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इट विल लुक लाइक दिस वन। बहुत सिंपल है, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, और नॉर्मली हम इनको यूज करते हैं जहां पर एड्रेसेस हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्टर है, ब्लॉक है, स्ट्रीट है, और उसके बाद सिटी नेम आ जाता है, कंट्री नेम आ जाता है, वो डिफरेंट कॉलम्स में आ रहा था। उसको अगर आपने एक ही कॉलम में डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम कॉन्केटिनेट या एंड साइन के साथ ये फंक्शन हम यूज करते हैं। उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और अगली वीडियो में हम आपको टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताएंगे कि टेक्स्ट फंक्शन का यूज किस तरह से है, हम डेटा को किस तरह से टेक्स्ट फंक्शन के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।